सारी संगत जय बापू दी। जय बापू दी, जय बापू। सबसे पहले तो एक पुण्य आत्मा जो बापूजी के चरणों में चली गई है, बापूजी अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार वालों को, इक्की वाटला जी के परिवार वालों को पीछे से ताकत बख्शे, हिम्मत बख्शे इस बड़े भारी दुख को सहने की। मेरी श्रद्धांजलि, मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित। आज गीता के श्लोक उन्हीं के समर्पित करते हुए श्रद्धांजलि स्वरूप बापूजी के चरणों में। बोलो बाँके बिहारी लाल बिहारी लाल की जय। की जय, भगवान की जय। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाए, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाए, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, धूप पड़े मुरझाए, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। आइए भगवत गीता के श्लोकों के सागर में कुछ जानने, कुछ समझने का प्रयास करते हैं जो भगवान ने अपने मुखारविंद से भगवत गीता के श्लोकों में हमें उपदेश दिया है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर्मर्दनम्, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, हम सातवें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 5 तक श्रवण कर लिए। थोड़ा सा सारांश लेके आगे बढ़ेंगे। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से क्या अर्जुन को बताया? भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये संसार स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक सब में एक दो ही शक्तियां समाहित हैं, एक परा और एक अपरा। हमने दो शक्तियों के बारे में स्मरण किया, पराशक्ति अर्थात चेतन अवस्था और अपरा अर्थात जड़ अवस्था। भगवान ने ये समस्त विश्व को दो शक्तियों में विभाजित किया है, जड़ और चेतन में। तो जहां जहां चारों ओर जो भी हम प्रकृति देखते हैं वो अपरा है, और उसके अंदर जो चेतन अवस्था है वो परमात्मा है। वो चेतन पराशक्ति परमात्मा के कारण ही विद्यमान है। कहने का भाव है कि यह अदृष्टा प्रकृति ही ईश्वर की ही अपरा शक्ति है। यह स्थूल से लेके सूक्ष्म की ओर जाने के लिए लालायित गति है।
अर्थात जैसे मनुष्य का शरीर भी है, तो तीन प्रकार से मनुष्य के शरीर को विभाजित कर सकते हैं। जो बाहर का है वो अन्नमय कोष, जो पांच तत्वों से मिलकर बना है, फिर विज्ञानमय कोष, आठ मास जो भी उसके अंदर है, और उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो है पराशक्ति, परमात्मा का परमानंद निज स्वरूप। तो इस तरह भगवान कह रहे हैं कि इस अपरा प्रकृति को जो धारण किए हुए है, हमारा जो जड़ शरीर जो धारण किया हुआ है, वह परमात्मा की पराशक्ति के कारण है। जो चेतन अवस्था हमारे अंदर है, जो चेतन शक्ति स्वरूप को चला रही है, वही परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। और यह शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, ये अपरा शक्ति को धारण किया हुआ है। अष्टधा प्रकृति अब आत्म तत्व के साथ संयोग करके जीवन धारण करती है तथा शोक मोह अहंकार का कारण बनती है। जीवन में रहते हुए भी आत्म तत्व जीवन के सर्वथा भिन्न रहता है। हमारे अंदर वो चेतन, वो परमात्मा के आत्म तत्व स्वरूप में जो हमारे अंदर विराजमान है, हम पूरे अपने जीवन में उससे बिल्कुल भिन्न रहते हैं। और उसका उसके हमें कौन ज्ञान देता है? हमारा सद्गुरु। हमारा सद्गुरु ही हमें बताता है कि हमारे अंदर जो परमात्मा, जो आत्म तत्व है, वही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। अर्थात हम उसी के ही अंश से, अंश के कारण है, हम उसी का ही एक अंश है। जिस तरह समुद्र, विशाल समुद्र होता है और उसके अंदर हजारों करोड़ों लाखों पता नहीं कितनी तरंगे होती है, तो वो जो तरंगे हैं वो जीवात्मा है, और जो विशाल समुद्र है वो परमात्मा है। अर्थात सब में सब अलग अलग जीवात्माएं हैं, लेकिन उन सभी जीवात्माओं में एक परमात्मा स्वरूप विद्यमान है। अब आगे का श्लोक, श्लोक क्रमांक 6। एतद्योनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। सातवां श्लोक। मतः परन्तरन्नान्यत् किश्चित् तस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारयत् अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। इस छठे श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से क्या बता रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। जितने भी छोटे बड़े प्राणी हैं, सब इन्हीं दोनों शक्तियों के कारण है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक, आध्यात्मिक, जो कुछ भी दिखता है, उनकी उत्पत्ति और उनका प्रलय, हे अर्जुन, तुम मुझे ही जानो। अर्थात उस मालिक से ही, उस परमपिता परमेश्वर से ही सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और फिर उसी में जाके विलीन हो जाती हैं। जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं, वो पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। जो भी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो आत्मा और उस पदार्थ के कारण ही है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। किसी भी चीज में अगर आत्मा है, तभी वो जीवात्मा है, अन्यथा वो पदार्थ ही है। इस भौतिक शरीर का इसीलिए विकास हुआ है क्योंकि इसके भीतर भी आत्मा उपस्थित है। हमारा शरीर है, अगर इसके अंदर से जड़, केवल जड़ अवस्था है, अगर इसके अंदर से वो जीवात्मा, वो प्राण निकल जाएंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। ना हाथ पैर काम करेंगे, ना मन बुद्धि काम करेगा, ना आंखें, कुछ भी नहीं रह जाएगा। सिर्फ एक ये मृत शरीर एक मिट्टी के भांति रह जाएगा। ये किसके कारण है? केवल आत्मा की उपस्थिति के कारण ही वो जीवात्मा है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास होता है क्योंकि इसके अंदर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार बनता है, युवा बनता है और अंत में वृद्धावस्था प्राप्त करता है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास भी परमात्मा की उपस्थिति के कारण ही होता है। जितनी ये सृष्टि चराचर
विकसित होती है, कुछ कितनी नई चीजें बनती हैं, विकसित होती हैं और फिर इसी में ही समाहित हो जाती है, ये परमात्मा की उपस्थिति के कारण ही होती है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की ही दो शक्तियां हैं, आत्मा अर्थात पराशक्ति और पदार्थ अपराशक्ति, ये भगवान की दो शक्तियों के कारण ही सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि चल रही है। इनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के कारण है, आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी महल, कारखाने या महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। कहने का भाव है कि जीवात्मा, ये मनुष्य रूपी जो भगवान ने शरीर दिया है, ये कितनी बड़ी इमारतें क्यों ना बना ले, कारखाने क्यों ना बना ले, महानगर कितनी बड़ी से बड़े इनका चीजों का निर्माता क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता। सृष्टि का निर्माण, इसको चलाने वाला कौन है? सिर्फ वो परमपिता परमेश्वर ही है। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी वो परमपिता परमेश्वर परमात्मा ही है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं का कारण है। क्या इस सृष्टि में छोटी से छोटी कोई वस्तु हो, लघु हो या बहुत बड़ी से बड़ी हो, उन सभी में वो परमात्मा ही निवास करता है। अगर हम चींटी को लें, तो चींटी के सूक्ष्म शरीर में भी वो आत्मा विद्यमान है जो परमात्मा का अंश है, और अगर हम हाथी जैसे विशाल जीव को देखें, तो उसके अंदर भी उस परमात्मा का ही निवास है। तो हर वस्तु उसी से ही उत्पन्न होती है, उस मालिक से ही उत्पन्न होती है, और विलय भी उसी में ही हो जाती है। अगला श्लोक, मन्तः परन्तप नान्यत् किश्चिन् दस्ति धनंजय। इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। कहने का भाव है कि परम पिता ईश्वर ही सत्य है, बाकी जो हमें संसार में जो कुछ भी दिखता है वो केवल झूठ है, वो असत्य है, एक स्वप्न की तरह है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी तरह सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जब तक मालिक का हुक्म ना हो, तब तक इस संसार में पत्ता तक नहीं हिल सकता। ये इसी तरह तरह से है जैसे किसी मोती, जैसे कोई मोती धागे में गुथे रहते हैं। परम सत्य साकार है या निराकार है? हमारा परमात्मा, हमारा परमेश्वर मालिक, वो साकार है या निराकार है, इस पर हमेशा से ही विवाद चलता रहता है। और जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, तो परम सत्य यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप को ही कहा गया है, जिसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस प्रकार इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अर्थात परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार गोविंद है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के जितने भी जीव, ब्रह्मा के देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा से भी परे इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसमें परमात्मा का निवास है। इसका कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं होता। जहाँ जो जिसको सच्चखंड कहा जाता है, उस परमात्मा का निज धाम कहा जाता है, उसका कोई भी स्वरूप नहीं है। और जो व्यक्ति ये जान लेता है, वह भी दिव्य बन जाता है। उस अकाल पुरख, उस परम पिता परमेश्वर की जो शक्ति को जान जाता है, वो भी दिव्य बन जाता है। किंतु जो उसे नहीं जान पाता, जो उस मालिक को जानने का प्रयास नहीं करता, वो सांसारिक दुखों में ही बंधा रह जाता है। वो जितनी उसको सृष्टि दिखती है, केवल उसके सुख और दुख को ही भोगता रहता है। उन परम पुरुष से बढ़कर, उस मालिक से बढ़कर कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि वही एक सत्य है और वही श्रेष्ठतम है। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। वो मूक वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को भी प्रकाशित करता है। कोई अगर वृक्ष खड़ा है, तो उसके अंदर भी वो मालिक का वास है, और इस दिव्य आकाश को
एक बिना उसके सहारे खड़े करने वाला, इस सूर्य को चलाने वाला भी वो मालिक ही है। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करता है। तो इन श्लोकों से ये निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य केवल श्री भगवान परमात्मा ही है, जो अपनी विभिन्न प्रकार की परा और अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में विद्यमान है। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, परमात्मा से परे कुछ भी नहीं है। समस्त सृष्टि को धारण करने वाले वही है। जिस प्रकार एक चलचित्र देखते समय उसको धारण करने वाला पर्दा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जिस प्रकार एक स्वर्ण भूषणों के मूल में स्वर्ण होने पर विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है, स्वर्ण आभूषण अर्थात सोने की जितने भी आभूषण बनते हैं, हम उन्हें कहते हैं, हम कड़े हैं, ये हार है, ये कानों के कुंडल है, विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है, लेकिन उसमें मूल तत्व क्या है? सोना। बने तो स्वर्ण के ही आभूषण है, लेकिन नाम अलग अलग हो जाते हैं। भगवान कह रहे, इसी प्रकार सारी सृष्टि के मूल में वो परमात्मा का ही स्थान है, परमात्मा ही बसा हुआ है हर चीज में, लेकिन वो हमें पेड़ पौधों के रूप में, हवा में, सूरज में, अग्नि में, जल में, इन अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है, और हर कण में, हर कण कण में उस परमात्मा का ही वास है, जिसे हम विभिन्न नामों से बुलाते हैं। मणिमाला की भांति ईश्वर ने समस्त सृष्टि को एक सूत्र में बांधा हुआ है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, तारे, नक्षत्र सभी ईश्वर के अधीन ही काम करते हैं। जिस प्रकार स्वर्ण तार में स्वर्ण मणि पिरोए जाने पर वो स्वर्ण माला कहलाती है, परंतु होता सब वो स्वर्ण ही है, उसी प्रकार संसार में व्याप्त जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें तत्वतः व्याप्त परमात्मा ही है। प्रभु अपनी सर्वव्यापकता तथा स्वरूपता बताकर आगे, हाँ जी, तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया, आँख खुले कुछ नाही, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। आ बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु वाह महाराज की जय। जी वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने श्रीमद् हाँ जी, सत्कारी जय बापू भगवद जी। गीता के श्लोकों को आपने उच्चारण किया, उनका सारा अर्थ बता के निहाल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। हाँ जी।